नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास 11th मैथ का एक्सरसाइज 27A का सॉल्व एग्जांपल नंबर 5 से देखने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 4 तक देख लेते थे, आप लोग नहीं देखे हो तो आपसे रिक्वेस्ट है पहले उस वीडियो को जाकर देखिए, तब एक्सरसाइज आप लोगों को अच्छा से समझ में आएगा। इसमें कह रहा है कि इवेल्युएट लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स प्लस टू होल टू द पावर 3/2 माइनस ए प्लस टू होल टू द पावर 3/2 अपॉन में एक्स माइनस ए। दोस्तों देखिए हम लोग सबसे पहले चेक करें क्या इसमें डायरेक्ट लिमिट लगा सकते हैं कि नहीं, चेक कीजिए। यहाँ पे एक्स के जगह पे ए पुट कीजिए तो ये हो जाएगा हम लोगों को ए प्लस टू का पावर 3/2 माइनस ए प्लस टू का पावर 3/2 अपॉन में एक्स के जगह पे ए पुट करेंगे तो ये हो जाएगा ए माइनस ए। ए प्लस टू का पावर 3/2 से ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस है, ये माइनस है प्लस ए भी कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 0/0। यानी कि ये इंडिटरमिनेट फॉर्मूला से डायरेक्ट लिमिट नहीं लगा सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों बात आई, यहाँ पे देखिए कि पावर यहाँ पे सेम है, ये समझिए कि यहाँ पे ये एक्स है, ये क्या है एक्स और ये है ए, तो पावर यहाँ पे सेम है तो एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन अपॉन में एक्स माइनस ए, क्योंकि इसमें से इसको यदि हम माइनस करेंगे तो यही टर्म आएगा। चेक कर सकते हैं आप, देखिए यहाँ पे एक्स प्लस टू माइनस ए प्लस टू, सॉल्व कर लीजिए एक्स प्लस टू माइनस ए माइनस ए और यहाँ पे ये प्लस टू है, यहाँ पे देखिए ये माइनस टू से प्लस टू कैंसिल हो गया तो एक्स माइनस ए, तो डिफरेंस भी हम लोग क्या आ रहा है, इसी दोनों का डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे देखिए वहां पे क्या होना चाहिए, एक्स टेंस टू ए होना चाहिए। क्या होना चाहिए फॉर्मूला में, क्या होता है लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स टू दी पावर एन माइनस ए टू दी पावर एन अपॉन में एक्स माइनस ए एक्स टेंस टू ए। यहाँ पे कितना दोस्तों, ए क्या है, ए के जगह कितना ए प्लस टू, तो एक्स टेंस टू होना चाहिए ए प्लस टू होना चाहिए तब ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है एक्स टेंस टू ए है, फॉर्मूला क्या है कि लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स टू दी पावर एन माइनस ए टू दी पावर एन अपॉन में एक्स माइनस ए। लेकिन यहाँ पे ए के जगह पे क्या है ए प्लस टू, यहाँ तो है नहीं, इसीलिए इस फॉर्मूला का अप्लाई अभी हम लोग नहीं कर सकते हैं। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मॉडिफाई करेंगे इसको तो हो जाएगा लिमिट, देखिए यहाँ पे क्या है एक्स टेंस टू क्या है, यहाँ पे एक्स टेंस टू क्या है, यहाँ पे ए है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखिए हम लोग बनाना कितना है, एक्स को बनाना कितना, एक्स प्लस टू बनाना है, यहाँ पे एक्स को कितना बनाना है एक्स प्लस टू बनाना है, तो हम लोग क्या करते हैं टू इसमें ऐड कर देते हैं, तो टू इसमें ऐड करेंगे तो टू इसमें भी ऐड करना पड़ेगा, ओके, ताकि ये क्या हो जाएगा x किस में बन जाए x प्लस टू में बन जाए, यहाँ x का जगह कितना x प्लस टू है ना, यहाँ लिमिट x टेंस टू ए था तो टू इसमें ऐड करेंगे तो टू इसमें भी ऐड करेंगे। यहाँ पे क्या है देखिए, यहाँ पे x टेंस टू ए था तो ये यहाँ पे हो जाएगा हम लोग को x टेंस टू, देखिए x टेंस टू ए था तो इसमें टू ऐड किए, इसमें टू ऐड करेंगे तो x प्लस टू हो जाएगा और यहाँ पे ए प्लस टू हो जाएगा। आगे देखिए ये हो जाएगा हम लोगों को इसे, आगे देखिए यहाँ पे, यहाँ तो x प्लस टू का पावर कितना है 3/2 है माइनस ये a प्लस टू का पावर कितना 3/2 अपॉन में यहाँ पे x है, x को कितना बनाना, x कितना है x प्लस टू, इसमें हम लोग क्या करेंगे 2 ऐड कर देंगे, ये माइनस a है, इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, इसमें 2 सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा ताकि ये से ये कैंसिल हो जाए, तो फाइनली कितना बचेगा x माइनस a बचेगा। आगे देखिए ये हो जाएगा लिमिट ये एक्स प्लस टू टेंस टू ए प्लस टू और ये हो जाएगा एक्स प्लस टू का पावर कितना 3/2, यहाँ पे दोस्तों 3/2 होगा माइनस ये हो जाएगा ए प्लस टू का पावर कितना 3/2 अपॉन में ये एक्स प्लस टू माइनस यहाँ से कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा ए प्लस टू। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए क्या है, देखिए यहाँ पावर सेम है यहाँ पे और इसी दोनों टर्म का यहाँ पर डिफरेंस है, बीच में साइन किसका है माइनस का, यहाँ पे तो एक्स टू दी पावर एन माइनस ए टू दी पावर एन अपॉन में एक्स माइनस ए, साथ में लिमिट एक्स टेंस टू ए होना चाहिए तो ए कितना है ए प्लस टू, तो देखिए ये समझिए कि पूरा क्या है एक्स है और ये क्या है ए है, तो क्या आ गया एक्स टेंस टू ए आ गया ना, यहाँ पे देखिए एक्स टेंस टू क्या ए हो गया, तो लिखेंगे यहाँ पे हम लोग बाई यूजिंग फॉर्मूला,
बाय यूजिंग फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन अपॉन में एक्स माइनस ए इक्वल टू एन ए टू द पावर एन माइनस वन। एन यहाँ पे कितना है, एन है हम लोगों को पावर में जो है 100 यानी कि 3/2। ए देखिए एक्स है और यह है ए यानी कि ए प्लस टू का पावर एन माइनस वन, सॉल्व कर लीजिए इसको, ये हो जाएगा 3/2 ए प्लस टू का पावर कैल्शियम लेंगे 2, ये हो जाएगा माइनस 2 इसका कैल्शियम लेंगे तो ये हो जाएगा 3-2 यानी कि 3/2 और ये हो जाएगा ए प्लस टू का पावर कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ये दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा एग्जांपल नंबर 5 का। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 6, देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 6 का है इवेलुएट लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 प्लस एक्स टू द पावर एन माइनस 1 अपॉन में एक्स में एक्स। इसमें चेक कीजिए कैसे हम डायरेक्ट लिमिट लगा सकते हैं कि नहीं, तो एक्स की जगह पर यदि 0 पुट करते हैं ये 1 प्लस 0 का पावर एन माइनस 1 अपॉन में 0, ये 1 का पावर एन हो गया तो 1 का पावर कुछ भी रहेगा तो आंसर 1 हो जाएगा माइनस 1 अपॉन में 0, ये कैंसिल हो गया यानी कि 0/0 यानी कि ये हम लोग को इनडिटर्मिनेट फॉर्म मिल रहा है, इसमें डायरेक्ट लिमिट हम लोग नहीं लगा सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 0, यहाँ पे है 1 प्लस एक्स का पावर एन है माइनस, इस 1 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 का पावर एन अपॉन में एक्स। अब दोस्तों यहाँ पे समझिए कि पावर तो यहाँ पे सेम आ गया, यहाँ पे पावर यहाँ पे क्या है सेम है, बीच में साइन माइनस का भी है और यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हैं कि इस में से यदि हम लोग इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स आ जाएगा कि 1 से 1 तो कैंसिल होगा, तो एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन अपॉन में इस एक्स को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 प्लस एक्स माइनस ये 1 ये एक्स और ये माइनस ए हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे एक्स टेंस टू यहाँ पे 0 है, एक्स टेंस टू क्या होना चाहिए ए होना चाहिए, ए की जगह कितना है यहाँ पे 1 है, एक्स टेंस टू यदि 1 रहता इसमें डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पे एक्स टेंस टू 1 है नहीं क्योंकि एक्स टेंस टू ए होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन अपॉन में एक्स माइनस ए, तो यहाँ पे दोस्तों एक्स टेंस टू यहाँ पे 1 चाहिए थी, इसको 1 बनाना है ठीक है, इसको 1 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे देखिए साथ में यहाँ पे एक्स की जगह कितना है 1 प्लस एक्स कहिए या एक्स प्लस 1 कहिए, इसमें क्या 1 ऐड कर देंगे। देखिए यहाँ पे लिमिट कि एक्स टेंस टू यहाँ पे कितना है 0 है ना, इसमें क्या करते हैं 1 ऐड कर देते हैं, तो 1 यदि ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए 1 प्लस एक्स है या एक्स प्लस 1 एक ही बात है, इसमें क्या हो जाएगा 0 प्लस 1 हो जाएगा। ओके यहाँ तो 1 प्लस एक्स के फॉर्म में तो दिया ही क्या, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स का पावर एन माइनस ये 1 का पावर एन अपॉन में एक्स को क्या लिखेंगे, देखिए एक्स किससे रिप्लेस हो गया 1 प्लस एक्स से, ये हो जाएगा हम लोगों को 1 प्लस एक्स बोली एक्स प्लस 1 बोली, तो एक्स में हम लोग क्या करें 1 ऐड किए, एक्स में कितना ऐड किया 1 ऐड किए हैं, इसको बैलेंस करने के लिए क्योंकि यहाँ तो एक्स चाहिए इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा माइनस 1 करना पड़ेगा ताकि यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, फाइनली क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा। फिर से समझिए कि हम लोग क्या किए हैं एक्स में क्या किए हैं 1 ऐड किए हैं क्योंकि हम लोगों को 1 प्लस एक्स चाहिए यहाँ पे, तो 1 ऐड किए हैं तो इसमें जैसे एक्स टेंस टू 0 था इसमें 1 ऐड करेंगे तो इसमें भी 1 ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 प्लस 1 हो जाएगा, ये तो एक्स प्लस 1 के फॉर्म में था इसको एज इट इज लिख दिए, ये 1 एज इट इज एक्स की जब क्या हो जाएगा एक्स प्लस 1 हो जाएगा, एक्स में क्या ऐड किया 1 ऐड किए हैं तो 1 ऐड किया है, लेकिन यहाँ पे क्या था एक्स था इसको बैलेंस करने के लिए 1 क्या सब्ट्रैक्ट कर दिए। अब यहाँ पे देखिए यहाँ ब्रैकेट ले लिए, यहाँ पे देखिए ये क्या है एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन अपॉन में एक्स माइनस ए, ये क्या है एक्स है और ये क्या है ए, ए कितना है यहाँ पे 1 हो 0 प्लस 1 कितना होगा 1, एक्स टेंस टू ए का जब कितना है यहाँ पे 1 है, तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं ये वाला लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन अपॉन में एक्स माइनस ए इक्वल टू एन ए टू द पावर एन माइनस 1। इसको दोस्तों थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ा है इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक्स टेंस टू जो हम लोगों को 1 दिया गया है तो ये चीज यहाँ पे नहीं है, एक्स टेंस टू यहाँ पे 1 होना चाहिए एक जगह पे यहाँ पे 1 है, एक्स टेंस टू यहाँ पे 0 दिया गया था, 0 को हम लोग क्या बनाना पड़ा 1 बनाना पड़ा। ओके आगे देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा एन ए टू द पावर एन माइनस 1, एन कितना है एन ही है ए 1 है का पावर एन माइनस 1। ओके आगे देखिए
एन इंटू वन का पावर यदि कुछ भी रहता है तो आंसर क्या होता है, वन होता है। इसका फाइनल दोस्तों आंसर हो जाएगा वन हो जाएगा। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर सिक्स भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और ये इस तरह क्वेश्चन दोस्तों यहाँ में आप लोगों को मिल भी सकते हैं, इस तरह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छा से कीजिएगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सेवन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेवन का है कि इवेल्युएट लिमिट एक्स टेंड्स टू वन, वन माइनस एक्स टू द पावर माइनस वन अपॉन थ्री, और यहाँ पे वन माइनस एक्स का पावर माइनस टू अपॉन थ्री। तो पहले चेक कीजिए क्या इसमें हम डायरेक्ट लिमिट लगा सकते हैं, एक्स की जगह वन पुट कीजिए, ये वन माइनस ये वन का पावर कितना हो जाएगा माइनस वन बाई थ्री अपॉन में ये वन माइनस ये वन का पावर हो जाएगा माइनस टू बाई थ्री। तो वन का पावर दोस्तों कुछ भी रहेगा तो आंसर क्या हो जाएगा, वन ही हो जाएगा। ये हो जाएगा वन माइनस वन अपॉन में अभी वन माइनस वन ये कैंसिल हो गया, प्लस माइनस है जीरो अपॉन जीरो। इनडिटर्मिनेट फॉर्मूला इसमें हम डायरेक्ट लिमिट नहीं लगा सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों इसको थोड़ा हमें क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे ये हम लोग को दिया गया लिमिट एक्स टेंड्स टू वन, यहाँ पे वन माइनस एक्स का पावर कितना है माइनस वन अपॉन थ्री बाई में वन माइनस एक्स का पावर माइनस टू अपॉन थ्री। आगे देखिए इसको कैसे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए लिमिट एक्स टेंड्स टू वन, यहाँ पे वन माइनस एक्स का पावर कितना है माइनस वन अपॉन थ्री, यहाँ पे एक्स का पावर माइनस वन अपॉन थ्री है। तो इसको हम लोग यदि इसके टर्म में लिखते हैं ऐसे आप लिख सकते हैं इसको कि वन माइनस एक्स का पावर माइनस वन अपॉन थ्री और इसका पावर कितना टू लिखेंगे। देखिए बात है, देखिए पावर से पावर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये क्या एक्स का पावर कितना हो जाएगा माइनस टू बाई थ्री। इससे बेनिफिट क्या होगा, देखिए इसको हम लोग क्या करें वन को क्या करें वन का स्क्वायर लिख देंगे ए स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर, इसको ये ए और इसको बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यहाँ पे आइडेंटिटीज लग जाएगा। तो हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू वन, ये वन माइनस एक्स का पावर कितना माइनस वन अपॉन थ्री अपॉन ए प्लस बी करेंगे तो ए के जगह वन प्लस बी के जगह कितना हो गया एक्स का पावर माइनस वन अपॉन थ्री इंटू ए माइनस बी करेंगे तो वन माइनस एक्स का पावर माइनस वन अपॉन में थ्री। देखिए यहाँ पे सेम टर्म है वन माइनस एक्स का पावर वन माइनस वन अपॉन थ्री और यहाँ भी है वन माइनस एक्स का पावर माइनस वन अपॉन थ्री, ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली हम लोगों को बचा यहाँ पे लिमिट एक्स टेंड्स टू हो जाएगा वन, ये वन अपॉन में ये वन प्लस एक्स का पावर कितना माइनस वन अपॉन में थ्री। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए बीच में क्या है प्लस का साइन है, यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं यहाँ पे नीचे में जीरो आएगा नहीं, यहाँ पे या ऊपर में जीरो नहीं है क्योंकि ऊपर में तो कॉन्स्टेंट है, यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग लिमिट्स। देखिए लिमिट्स लेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा ये वन अपॉन में वन प्लस ये वन का पावर हो जाएगा माइनस वन अपॉन में थ्री, वन अपॉन में वन प्लस वन का पावर कुछ भी रहेगा तो रिजल्ट कितना हो जाएगा वन ही हो जाएगा। तो फाइनली इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा वन अपॉन में टू हो जाएगा। आई होप दोस्तों सारा क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कहीं भी डाउट हो कमेंट जरिए पूछ सकते, वीडियो अच्छा लगे मेरे पढ़ाने का तरीका यदि आप लोग पसंद आए आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस चैनल को लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों कमेंट करके जो बताइए कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।